हमारे देश में कुछ स्टेट्स पर अभी इलेक्शन का सीजन चल रही है। इसको सीजन कहना ही ठीक होगा क्योंकि यह सिर्फ नेताओं की खुशी की एक वक्त है ताकि पावर कैसे हासिल किया जाए। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट होगी उसके बाद से नेताओं कहां गायब होते हैं किसी को भी पता नहीं रहता। और अभी नवंबर दिसंबर इस दोनों महीने के अंदर 5 स्टेट्स पर इलेक्शन है, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। 5 स्टेट्स की इलेक्शन रिजल्ट 3 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। अभी कैंपेनिंग भी हो रही है। मुद्दा यह है कौन किससे ज्यादा फेमस है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और किसने कितना घोटाला किया आजकल। और एक अहम मुद्दा, कौन क्या फ्री में देगा। लेकिन ये कोई नहीं कहता हम इस जगह को डेवलप करेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑफिस, सड़कें और गवर्नमेंट सिस्टम को ठीक करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है अगर गवर्नमेंट बना भी लिए ये सब तो करेंगे नहीं हम लोग, तो कहकर क्या फायदा। और लोगों को भी यकीन हो गया है ये सब तो होगा नहीं चाहे कोई भी आए गवर्नमेंट में। अभी लोग ये सब पूछते तक नहीं क्योंकि लोग इतने बार धोखा खा चुके हैं और नेताओं ने इतने बार गारंटी दे चुके हैं इलेक्शंस के टाइम, इसलिए अभी अकेला गारंटी भी नहीं देते क्योंकि अभी खुद का गारंटी के ऊपर खुद का ही विश्वास उठ गया। ये भी मालूम है लोग भी ये सब विश्वास नहीं करते, इसलिए अलायंस बनाना पड़ता है ताकि कोई एक में तो विश्वास करना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं रहता लोगों की। सब पार्टीज अलायंस में शामिल हो जाती है, इसलिए खुद गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन निकाला, अगर किसी को भी पसंद नहीं तो नोटा में वोट दे सकते हो। नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द अबव। गवर्नमेंट खुद को ही पता है हम जैसे काम करते हैं जरूर एक नोटा ऑप्शन की जरूरत है, इसीलिए तो बनाया। इन नेताओं को क्या पता कि डेवलप एक्चुअली कैसा होता है। इन लोगों के लिए यही डेवलप है कि कितने नेताओं बाहर डेवलप कंट्रीज में गए हैं घूमने ताकि देख सके कि डेवलप कैसा होता है, इन लोग करप्शन कैसे करते हैं वही डेवलप सोच के बैठे हुए है। जो जो गए है उन लोग तो अपने घर और ऑफिस को डेवलप जैसे बनाकर रखे है, इसीलिए उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो है सिर्फ आम लोगों को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता नेताओं को। उसके बावजूद भी लोग भी इतने पागल है उन नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं। और अचानक कभी नेताओं आ जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर खुद के एरियाज में, तो लोग पैर पकड़ लेते हैं। जैसे जीजाजी आए, आज आजादी की इतने साल के बाद भी हमारा देश में एक भी नेता या लीडर नहीं मिला जो देश के लोगों के लिए काम किया हो। कुछ नेताओं कहते हैं इलेक्शन के टाइम्स हमने स्कूल बनाया, ब्रिज बनाया, सड़कें बनाया। उनको ये नहीं पता ये बेसिक चीज उससे बहुत पहले होना चाहिए था और तुमने बनाकर कमाल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं उससे हजार गुना ज्यादा करना चाहिए था। लेकिन क्या नहीं तुमने, एक काम करके हजार बार बोलेंगे और क्या काम करते हैं एक साल भी नहीं टिकता, इससे पहले ही टूट जाते हैं। और ये गवर्नमेंट ने इतने सारे ब्यूरो एजेंसी बनाकर रखे है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो किस काम पे आता है क्या मालूम। आजकल ये तो सिर्फ अपोजिशन पार्टी का लीडर को पकड़ने का काम आ रहे। कहते हैं हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या लोगों ने काम करने के लिए मना कर रखे है। हर एक स्टेट पर अलग अलग गवर्नमेंट है, अपने स्टेट को टिक क्यों नहीं करते। चाइना में भी तो पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके बावजूद भी इंडिया की एयरपोर्ट से ज्यादा खूबसूरत चाइना का रेलवे स्टेशन, वो सब तो दूर की बात है। हमारे देश में लोगों की रोजमर्रा बेसिक चीजों की जरूरत पूरा कर नहीं पाया, बस इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े बातें माइक पर वही चले आ रहे पहले से अभी तक। इन नेताओं ने वेस्टर्न डेवलप कंट्री से कुछ सीखते भी नहीं, ऐसे लीडर रहते हुए लगता नहीं देश डेवलप हो पाएगा। अगर आपको भी ये सही लगता है वीडियो को एक लाइक कर देना।